आपने समोसा कई प्रकार के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने मशरूम के समोसे खाए? अगर नहीं खाए हैं तो आपको हम सहरसा में मशरूम के समोसे का स्वाद चखाते हैं। सहरसा जिला मुख्यालय के डीवी रोड में अवस्थित स्वीट्स कॉर्नर में आपको मशरूम के समोसे मिलेंगे। अमूमन आपने आलू के समोसे, पनीर के समोसे सहित अन्य कई प्रकार के समोसे का स्वाद चखे होंगे, लेकिन रविंद्र मुखिया के यहाँ के मशरूम के समोसे का स्वाद ही निराला है। जो व्यक्ति एक बार इनके यहाँ के समोसे चख लेते हैं, वो इनके दुकान पर बार बार आते हैं। रविंद्र की यह स्वीट्स कॉर्नर की दुकान दोपहर के 2 बजे खुलती है और रात के 8 बजे बंद हो जाती है, लेकिन 2 बजे के बाद इनकी दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और समोसा लेने के लिए लोगों का तांता लग जाता है। रविंद्र मुखिया बताते हैं कि वह काफी सालों से समोसा बेचते आ रहे हैं, लेकिन 7-8 दिनों से वे कुछ अलग तरीके से समोसा में मशरूम डालकर बेच रहे हैं, जिसके कारण लोगों का डिमांड काफी बढ़ता जा रहा है। जो लोग एक बार इस दुकान पर आकर मशरूम के समोसे खा लेते हैं, वह बार बार उसी समोसे को लेने उसी की दुकान पर आते हैं। उन्होंने बताया है कि मशरूम के समोसे जिले में अभी तक कोई नहीं बेच रहा है। मशरूम से कई फायदे भी होते हैं। वे प्रतिदिन 700 से 800 समोसा रात तक बेच डालते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या इसमें खासियत है? वैसे तो हम बहुत सालों से समोसा बेच रहे हैं, लेकिन इतने दिनों तक सिर्फ आलू का समोसा लोगों को उपलब्ध हो रहा था, लेकिन लोगों के मांग पर हम मशरूम समोसा का शुरुआत कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि शहर के लोगों को ये पसंद आएगा। मशीन भी रखे हुए हैं जी? ये फ्राई करने के लिए हम मशीन रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या? लोगों का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और जब से ऐड डाला है तब से लोग बहुत। कितनी बिक जाती है समोसा? वही जैसे जनरली 700-800 पीस हमारे लोग का सेल है। इसमें और कुछ सामान वगैरह डाला जाता है जी? इसमें अच्छी क्वालिटी का मसाला बनाया जाता है और जिस तरह पहले आलू समोसा बनता था, अब उसके जगह मशरूम समोसा भी लोग मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार मुखिया। कौन सी दुकान है? स्वीट कॉर्नर डीवी रोड। क्या